वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आया हूं कुबेरेश्वर धाम, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। दोस्तों आज दिन है सोमवार, जो कि महाकाल का दिन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और महाकाल के दर्शन का आनंद लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप भी महाकाल के दर्शन का आनंद लीजिए। दोस्तों फिलहाल मैं मौजूद हूँ कुबेरेश्वर धाम में दोस्तों, और जो कुबेरेश्वर धाम में महाकाल है वो कुछ वर्तमान समय में इस रूप में विराजमान है। इनके जस्ट जो पीछे इनका मंदिर ये बना हुआ है, और फिलहाल में इस रूप में यहाँ भगवान भोलेनाथ महाकाल बाबा विराजमान है, देखिए। और इससे अगर जस्ट राइट साइड देखें तो ये श्री शिवाय नमस्तभ्याम लिखा हुआ है, और इधर ये कथा का आयोजन होता है, वो जगह है। और इसके जस्ट पीछे देखें तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी जगह कुबेरेश्वर धाम की है दोस्तों। दोस्तों देखिए आगे जो आप देख रहे हैं ये है दान कार्यालय है। दान कार्यालय में आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो भी आप दान देना चाहते हैं यहाँ इच्छा अनुसार आप दान कर सकते हैं। और ये पूरा जो मंदिर परिसर है, अभी यहाँ कार्य चल रहा है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ भाड़ तो रहती है। और अभी ये देखिए यहाँ पर भी अभी निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों यह कुबेरेश्वर धाम का वह स्थान है जहाँ पर मान्यता है यहाँ के कण कण में भोलेनाथ विराजमान है, यानी इस स्थान को कंकड़ में शंकर नाम की संज्ञा दी गई है। दोस्तों यहाँ लोग पूजा करके कंकड़ को अपने घर पर ले जाते हैं, और भोलेनाथ के साथ साथ वो इस कंकड़ की भी पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ से जाना पड़ता है रुद्राक्ष लेने के लिए, और इन्हीं लाइनों के माध्यम से गुजरना पड़ता है। और आगे चलते जाइए आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आप देश के किसी भी कोने से आए, लेकिन आपको सीहोर रेलवे स्टेशन पर आना होगा। उसके बाद 30 रुपए देकर आप कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाएंगे। खाने पीने और रहने के लिए होटल और रेस्टोरेंट की सुविधा वहां मौजूद है। दोस्तों कुबेरेश्वर धाम के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।